फतेहाबाद में छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी संस्कृत टीचर बबरू भान को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीण उसके खिलाफ कार्रवाई को अड़े थे। मंगलवार को ग्रामीणों ने चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया था। ग्रामीणों का दबाव बढ़ता देख आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ छात्रा के परिजनों की शिकायत पर जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। बता दें कि भूनाखंड के एक गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत के शिक्षक बबरू भान ने कुछ छात्राओं को मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक मैसेज किए। ग्रामीणों ने इसको लेकर टीचर को 2-3 बार टोका गया। शिक्षक ने इसके लिए माफी भी मांगी। इसके बाद मामला शांत हो गया। बबरू भान पर आरोप है कि अब वो फिर से उसने एक छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज किया। छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके बाद से ही ग्रामीण उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। अब शिक्षक बबरू भान को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों ने 9 दिसंबर को शिक्षक की हरकतों पर रोष प्रकट करते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया था। अध्यापकों को वहां से चलता कर दिया था। आरोपी शिक्षक भी गांव से चला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने 12 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया था। 12 दिसंबर को शिक्षा विभाग की एक टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। वहां पर ग्रामीणों से नोकझोंक हुई। इसके बाद मंगलवार को ग्रामीणों ने चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया था। घटना की सूचना पाकर DSP जुगल किशोर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बुधवार को आरोपी टीचर बबरू भान को शिक्षा विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है।